हरी का ये फल है कि केवल केवल भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन सफल हो रहा है। जितने क्षण भगवान का नाम ले रहे हैं यहाँ बैठ के, बस उतने ही क्षण हमारे जीवन के सफल हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना ये है कि आप लोग अपने घर का आराम छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, किंतु बहुत से लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, यहीं रुके हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आना है उनको, कि उनको ट्रैफिक में देर हो गई या कुछ हो गया, और उसके बावजूद भी 50% लोग टाइम से नहीं आते। सुबह सुबह की प्रार्थना है, आपको उत्साह होना चाहिए कि कब शुरू हो, हम कब बैठे, कब हम भगवान का नाम शुरू करें। उत्साह होने की बजाय जाए 15 मिनट पहले आके बैठ जाए। कितने ही लोग आराम आराम से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो केवल 5 मिनट दे रहा है। 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड की भी देरी क्यों, क्या लुट रहा है आज को आप रियलाइज कीजिए। बिना मांगे आपको कौन सा धन मिल रहा है, कौन से मोती लुट रहे हैं यहाँ पर, उसको रियलाइज कीजिए और उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। 1 सेकंड की भी देरी, ये बहुत बड़ा आपका लॉस है, इतना बड़ा लॉस है कि आपको पता नहीं कि आप क्या खो रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो भी यहाँ पर सेशंस होते हैं, बीच बीच में हमको रेस्ट देना ही पड़ता है, शरीर के लिए भी आवश्यक है, इसलिए देना ही पड़ता है रेस्ट, वो ठीक है। कोई बीमार है, किसी की मजबूरी है, कोई उठ के नहीं आ पा रहा है इस कारण से, वो तो चलो फिर भी क्षम्य है। लेकिन जो बिल्कुल ठीक है, वो नहीं आते या आके अपना मटर रेस्टी करते हैं, 2 मिनट बैठे चल दिए उठ के, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा जीवन यही तो करना है, यही तो किया है तुमने, अब 2 दिन की भगवत कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, ये तो जैसे कोई परसी भी थाली, कोई भूखा भी है और उसके सामने 56 व्यंजन से सजी हुई थाली रखी है और वो कहे जी मैं भूख नहीं, हम बाद में खाएंगे, उस थाली का तिरस्कार है, भगवत कृपा की हंसी उड़ाने के बराबर है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भगवान की कृपा का उपहास मत उड़ाइए, इस कृपा को उस तरह ठुकराइए नहीं। जो भी सेशन होता है आप टाइम से आकर बैठिए और जितना आप अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं उतना आप ग्रहण करने की चेष्टा कीजिए, इसमें आपका लाभ है और श्री महाराज जी को प्रसन्नता होगी। हमारे बच्चे कितने सिंसियर हैं, कितने अच्छे से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी खुशी होगी, श्री महाराज जी को प्रसन्नता होगी, और महाराज जी की प्रसन्नता का अर्थ है आपकी ऊपर कृपा। तो हमारा पर्पज सॉल्व होगा, यहाँ आने का हमारा मतलब सिद्ध होगा। इसलिए आप सभी लोग टाइम से आए और सिंसियरली बैठ के यहाँ पर साधना करें, ऐसी मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। बोलिए वेली सरकार की जय।